तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक प्रोजेक्ट जो कि वीबीए बैंक ऑफ प्रोग्रामिंग के फंक्शन वाले पार्ट से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो एक कंपनी है जो कि गोल्ड को बल्क में खरीदती है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसने बाय किया 14 मार्च को पर्टिकुलर पार्टी से पर्टिकुलर रेट पे, और उसका क्या बोलते हैं जो मीडियम था, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन होता है तो कोई ब्रोकर होता है ना, तो हुआ ये दोनों रेट्स हैं, और ये आपके वेट है कि 300 ग्राम, 3000, मतलब 3000 ग्राम उसकी अमाउंट इतनी हुई और इसका डिफरेंस जो है इतना हुआ। इनकी अपनी खुद की कैलकुलेशन है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर इस गोल्ड को हमने 100 100 ग्राम, 200 200 ग्राम के पार्ट में सेल किया, जिसकी एंट्री आपके यहाँ पर है। तो ऐसे ये कंटिन्यू एंट्री होती जाएगी, राइट सर। अब उनको क्या चाहिए, जो प्रोवाइडर है वो क्या चाहते हैं कि उनके पास इस तरह का एनालिसिस आए, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यहाँ पे सेल हो और यहाँ पे बाय हो, सॉरी सॉरी, यहाँ पे सेल हो, ये हमारा बाय हो। तो इसमें एक दिक्कत क्या है कि बाय जो हो रहा है वो हो रहा है एक पर्टिकुलर बल्क में, बट सेल हो रहा है आपके इसमें रिटेल में। तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे बाय का 3000 नहीं आए, मतलब कि इसको 3000 को जितने पार्ट में हमने बेचा है उस पार्ट में यहाँ आना चाहिए, समझ गए। ठीक है सर, क्वांटिटी यहाँ पे बाकी सेलिंग वाली डिटेल, आनी हाँ चाहिए। बाकी डिटेल्स जो है वो ही आनी चाहिए, सेल की नहीं बाय की आनी चाहिए, सिर्फ उसकी जो वेट है वो वेट सेल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब जैसे देखिए कि यहाँ बाय में आप यहाँ एक वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस देख लीजिए। मेन जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि बाय को उसने तीन दो पार्ट में, 14 तारीख को बाय को दो पार्ट में किया हुआ है, ठीक है, 3000 और 1000। तो जब वो यहाँ पे देखिए, जैसे कि 3000 पूरा हो जाता है, 3000 पूरा हो गया तो 4000 में देखिए रेट चेंज हो गया, खाली है, ठीक है। और फिर ये 1000 के लिए कोई और रेट है, कोई और पार्टी है। तो यहाँ पे हमें जो पार्टी और सेल्स उठाना है सिक्वेंसली उठाना है, और सिक्वेंसली कैसे उठाना है, सिक्वेंसली उठाना है एज पर एक कंट्रीब्यूशन, समझ गए सर। तो इनको मैंने फॉर्मूला की मदद से मैंने डेट डे वाइज उठाया था, बट वो डे वाइज उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो डे वाइज नहीं करना चाहते, वो मंथ वाइज करना चाहते, वीकली करना चाहते हैं, मंथली करना चाहते हैं और पार्टी वाइज करना चाहते हैं। तो वीकली के लिए हमने यहाँ पे स्टार्ट लिखा और यहाँ पे टू लिखा, और इसमें हमने वीवीए फंक्शन लगाया है। देखिए यहाँ पे वीवीए फंक्शन लगा हुआ है, सीडी के नाम से वीवीए फंक्शन बनाया हुआ है। तो वो क्या करता है कि इसके और इसके बीच के जितने भी डेट्स सेल में है, क्योंकि डेट सेल के हिसाब से उठा रहा हूं मैं, सेल में है वो सेल का वीकली में शो कर रहा है। इसके लिए हमने प्रोग्रामिंग क्या लगाया है, चलिए हम आपको बताते हैं। हमने प्रोग्रामिंग लगाया है यहाँ पे सीडी, एन एज ए रेंज, सी एज ए इंटीजर, एसटी एज ए डेट, स्टार्ट डेट, ई एन एज एंड डेट, एंड पी एज ए इंटीजर। और हमने यहाँ पे एक वेरिएबल, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेटा हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पे ले लिया कि डिम डी टी एज ए 1 1 2 1 1000, एक हमने क्या ले लिया है, ये एरे, एरे बनाए सर, एरे हाँ बनाए बिल्कुल। एरे लिया है हमने। पर ऐसा क्यों लिया 1 to 1000? ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि हम एक फंक्शन कैलकुलेट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे अब 14 तारीख 10 बार 16 बार है ना सर, 16 बार की एंट्री कैसे यहाँ विजुअल करेंगे, ओके, तो 1 to 1000 डेट के लिए है, डिम डीटी कोई भी रिजल्ट, जो वन भी रिजल्ट सर्च करेंगे, देखिए मैं दोबारा लगाता हूं आपको, देखिए दुआ लगाता हूँ।
मैंने यहाँ पे कर दिया सीडी, सीडी में सबसे पहले कर दिया मैंने रेंज कि आपको ढूंढना कहाँ है। तो सेल्स में गए और सेल्स में हमने बी कॉलन में नीचे तक तो उतना ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ मैं बी 2000 ले लेता हूं, ठीक है। कौन से कॉलम का उठाना है तो मैंने लिख दिया यहां पे 0। और यहां पे अगला वैल्यू आती है स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो वीकली वीकली में आते हैं स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट। अब बात आती है कि इस डेट के बीच में तो बहुत सारे रिजल्ट आए हैं, उस रिजल्ट में से कौन सा रिजल्ट चाहिए, तो हमने बोला पहला। सर डेट का पैरामीटर गलत हो गया, बी टू सी होगा सर, सी थ्री से वीकली बी थ्री। रिजल्ट आ गया। अब मैं यहाँ पे दो करूंगा तो दूसरा मार्च, दूसरा 14 मार्च आएगा, तीसरा 14 मार्च आएगा, जैसे डीआई फंक्शन कैसे करता था उस तरह से। तो ये जो 14 मार्च है ये कब तक लिखता रहेगा? 16 तारीख, इसके टोटल नंबर 16 है ना, 16 तक। यहाँ हमने दे रखा है कि यहाँ काउंट इफ लगा दिया हमने कि दोनों डेट के बीच में जितने काउंट्स होंगे वो काउंट यहाँ जनरेट होगा और इस काउंट के बिहाफ पे सीक्वेंस नंबर जनरेट होगा और सीक्वेंस नंबर के बिहाफ पे आपका ये निकाल देगा। समझ में आया सर? हाँ जी सर, लुकअप तो समझ आ रहा है, पर ये हम कर क्यों रहे हैं? एक बार थोड़ा सा एक बार दोबारा बताओ कि हमने ये दो डेट का कॉम्बिनेशन ले लिया फ्रॉम एंड टू का, उसका काउंट इफ लगाया 16, किस बेसिस पे आया काउंट इफ? 11 मार्च से 17 मार्च के बीच में जितने भी इंक्रीज है उसका दिखाया है इसने, बिटवीन इंक्रीज है एंट्री, एंट्री मतलब कि डेट्स अवेलेबल है। देखिए यहाँ सेल्स के अंदर में, सेल्स में आप जाते हैं तो 14 मार्च की 16 एंट्री है ना। ओके ओके ठीक है, इसका काउंट यहाँ दिखाया, इस काउंट और... आप पे सीरियल नंबर जनरेट हुआ, ठीक है। और बीवी फॉर्मूला का हमने बोला कि भाई तुम जो है सेल्स में जाओ, यहाँ देखेंगे आप कि रेंज दे दिया एन में मतलब बी कॉलम में, हमें बी कॉलम से लेकर क्या ना बी कॉलम में जा, हर एक सेल में जाओ और चेक करो कि आर डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन एस टी, मतलब कि हमने स्टार्ट डेट डाला है से स्टार्ट डेट से बड़ा और एंड डेट से छोटा है। अगर ऐसा है तो k इक्वल टू k प्लस 1 करके एक काउंटर बना लो और dt जो हमने एरे लिया है उसके उस पर्टिकुलर नंबर में उसको ऐड कर दो। तो ऑफसेट 0 कॉमा ये जो c क्या है, c है कि भाई कौन से कॉलम का डेटा उठाना है, डेट का उठाना है या उसके आगे पीछे का डेटा उठाना है। ठीक है तो वो हमने दे दिया, लेकिन अब डीके के ऊपर तो बहुत सारे रिकॉर्ड एंट्री हो चुके हैं क्या सर? तो हमने बोला कि सीडी इक्वल टू डीके कॉमा, यहाँ पे के नहीं यहाँ पे पी होना चाहिए, गलत हो गया सर, नहीं हाँ डी डी टी और यहाँ पे हमने के डाल दिया, सी डी इक्वल टू डी टी इक्वल टू के, यहाँ पी होना चाहिए, ये गलती है सर, यहाँ पी होना चाहिए। पर आपने जो नंबर जो लास्ट में हम देंगे उसके हिसाब से इसमें से उठा देगा, तो जैसे वो 14 तक होगा 14 तक दे दिया, 15वां जैसे ही आएगा आपका 16 हो गया, 17वां में आपको एरर दे देगा, तो यहाँ पे ब्लैंक हो गया, इफ एरर लगाया हुआ था मैंने,
और इसको नीचे तक कर दिया हमने। ये अब आ गया, अब वेट भी उसी हिसाब से लाना है, तो यहाँ वेट के लिए भी सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, सेम फॉर्मूला। चेंज क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें चेंज क्या होगा। अब सेल्स में जाइए, सेल्स में आएगा आपका यहाँ पे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ऑफसेट में चेंज करेगा, हाँ यहाँ पे जो हमने जहाँ पे 0 दिया हुआ है वहां पे हम 5 दे देंगे। फाइव आ गया 400, और इसको भी नीचे तक ड्रैग कर देते, इसका कंट्रीब्यूशन आ गया पूरा जो सेल में है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब बाकी अमाउंट वगैरह का जो कैलकुलेशन है, एक कैलकुलेशन होना चाहिए किसके बिहाव पे, बाय के बिहाव पे, जिसको बाद में छोड़ते हैं, बाकी चीजें भी फिल कर लेते हैं। पार्टी, तो पार्टी के लिए इसमें क्या है, 0, 1, तो यहां पे हमने 1 दे दिया। और इसके बाद M बाय, बाकी तो सीक्वेंस है, टू थ्री फोर यहां पे 5 और यहां पे 6 और यहां पे 7। ठीक है, तो ये वीकली हमारा हो जाएगा। तो वीकली कंपेयरिंग आ गया हमारा, एक मिनट सेल्स में एक ही जगह पिनती है ना। अब चैलेंज आता है यहां पे, अब इसके लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा सर। चौदह तारीख को हमें यहां पे शो करना है सर, तो 14 तारीख का जो बाय है सर, ये बाय सेल की जो क्वांटिटी है पूरी एग्जॉस्ट हो रही है, मतलब जितना ये दिख रहा है यहाँ पे 4500, तो क्या 4500 हमने सेल कर दिया क्वांटिटी में? नहीं सेल किया, तो ये तो दिक्कत दिखाना है आप, आप सेल नहीं करेंगे लेकिन हमारे रिकॉर्ड में शो करता जाएगा, जैसे सेल होगा वैसे वैसे वो ऐड होता जाएगा। हाँ, तो जैसे आपने, मैंने यहाँ पे जो बेट लिया है ना सर, हाँ ये तो सेल के बेसिस पे लिया, सेल के बेसिस पे लिया है, और लेकिन जैसे कि आप हमारे पास 14 तारीख को हमने सेल किया 3000 सेल किया है, तो 3000 तक जो आएगा ये आएगा, अगर मान लीजिए 2500 सेल किया है तो 2500 तक आएगा एक डेट पे। ठीक है ना ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि हमने परचेज क्या किया उससे मतलब नहीं, हमने कितना क्वांटिटी परचेज किया उससे मतलब नहीं है, मतलब सेल हमने कितना किया है, और हमने 3000 अगर हमने परचेज किया है और हमने 2000 ही सेल किया है, तो यहाँ पे 2000 तक ही हमें दिखना चाहिए उस सेल का, जैसे एक 500 ऐड होगा और 500 ऐड होगा तो वही दिखेगा, जब तक कि क्वांटिटी फुल हो जाती है तब तक दूसरा रिकॉर्ड हमें इन सबका नहीं आना चाहिए। ठीक है सर, और एक चीज है, अगर ये वीकली रिपोर्टिंग के लिए हमने सेल सिर्फ किया 14 तारीख को पर बाय किया 14 और 15 को, अगर हम बाय शीट पे जाते हैं और हम ये शीट बना रहे हैं सिर्फ सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने कितना कितना सेल की समरी बनाई है, पर हम बाय की जो क्वांटिटी है वेट है वो हम सेलिंग के बेसिस पे ले रहे हैं, मतलब जैसे 400, 200, तो ओके ठीक है सर। ठीक है ना, क्लियर है? क्लियर है सर। तो ये हमारा अब यहाँ पे पार्टी और बाकी डिटेल्स यहाँ पे इसके उठ के आने चाहिए।
तो मैनुअल जो हमने बनाया था उसके लिए हमने क्या किया हुआ था, डेट के हिसाब से था, बट ये फीचर्स यहाँ नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों? क्योंकि इस फीचर में दिक्कत आ रही है हमें कि कई सारे डेट्स हैं इसमें। नहीं सर, डेट तो एक ही है, पर क्वांटिटीज काफी सारी है ना। हाँ नहीं, इसमें कई वीकली है ना सर, यहाँ पे तो 14 की एंट्री है, और ज्यादा की एंट्री होगी तो ज्यादा आएगा ना सर इसमें। ठीक है, तो हमें ये चेक करना होगा, सम करते समय ये चेक करना होगा, करना पड़ेगा कि यहाँ पे तो आपको अभी इसका रेट भी तो पिक करना है बाय वाली शीट से, लेकिन आपको रेट पिक करना पड़ेगा जिस 3,000 क्वांटिटी वाले का पहले पिक करना पड़ेगा ना, हाँ, 3,000 वाले। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है कि हर बाय का एक कोड बना रखा है रेट के हिसाब से, दिख रहा है आपको यहाँ पे हमने काउंटिंग की मदद से हर बाय का एक कोड बना रखा है। तो सर इसमें भी एक यूनिक वैल्यू आप लगा दो, एक कॉलम कंकेटिनेट लगा दो, कुछ ऐसे करके कर सकते हैं। एक कॉलम इंसर्ट कर लो ए से पहले और ए इंटू बी करके। नहीं सर, इसमें प्रॉब्लम में होगा कि कुछ करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी सेल सीट पे ना, ये डे बाई सीट पे हो जाएगा ना, डे में तो एक ही एंट्री है ना, हमें वीवीए के थ्रू ही जाना पड़ेगा, एक्सेल नॉर्मल एक्सेल के थ्रू नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पे एक करेंगे कि वो क्या करेगा कि डेट का टोटल ले लेगा, समझे, डेट का टोटल लेगा तो उसमें तो 4,000 आएगा ना नहीं पहले अगर ये। क्या ठीक करेगा, एक डेट की एक आईडी उठाएगा, समझ गए, है, डेट की एक आईडी उठाएगा और उसका ये टोटल निकाल के दे देगा, डेट वाइज और आईडी वाइज जो है उसका उठा के वो ठीक दे देगा। है, तभी हो पाएगा। हम जैसे ही 3,000 से ऊपर जाता है और दूसरे को देने दो। आईडी चेंज कर देगा, समझ गया, कर लिया। इसलिए फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन बाय सी बाय के नाम से, एन एज ए रेंज पहले लेना पड़ेगा जहां से रेंज करेगा, ये आपका सी एज ए इंटीजर किस कॉलम का डेटा लेना है वो लेना पड़ेगा, और एस टी एज ए डेट, एस टी एज ए डेट कॉमा ई एन एज ए डेट और पी एज ए, और पी के बाद में देखते हैं, फिलहाल इतना कर लेते हैं। ये हमारे एंट्री हो गए, अब यहां पे लिखते हैं डिम आर एज ए रेंज और फोर इच आर इन एन नेक्स्ट नेक्स्ट आर करेगा कि इफ आर डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस टी एंड आर डॉट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू ई एन देन के इक्वल टू के प्लस वन और यहां पे हम कर देते हैं हाँ, यहाँ पे हम ऊपर में एक
सेम करते हैं डीएम डीटी एज ए डीटी को हम ये कर देते हैं इसको एक से लेके 1000 और डी टी के इज इक्वल टू यहाँ पे आर डॉट ऑफसेट ऑफसेट में हमने बोला 0 रो एंड सी कॉलन डॉट वैल्यू और यहाँ पे एंड एफ कर दिया और यहाँ मैंने सेम जो फंक्शन ऊपर बनाया था वही फंक्शन यहाँ भी बना दिया सर मैंने ठीक है पर सर फिर उसका यूज क्या होगा मैं देख रहा बता रहा हूँ आपको एक मिनट पी एज ए इंटीजर यहाँ पे हमने कर दिया सी बाय इक्वल टू पी अभी क्या होगा यहाँ पे इसमें हम यहाँ पे यहाँ वीकली में जाते हैं और पार्टी के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं सी बाय में हम सिलेक्ट करते हैं सेल्स बाय का रेंज नॉट ए सेल्स का रेंज बाय का रेंज डेट का रेंज जो बाय का डेट रेंज है वो हमने बाय का डेट रेंज सिलेक्ट कर लिया मैं यहाँ पे इसको बी 10,000 तक कर लेता हूँ ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें तो बैक रो क्लोज क्या कर दिया हाँ उसके बाद हम क्या कर रहे हैं वीकली पे आते हैं हमारा कॉलम नंबर है तो हमने लिख दिया फिलहाल 0 ठीक है हमें 0 चाहिए फिर स्टार्ट डेट है हमारा ए स्टार्ट डेट है हमारा ए और एंड डेट है हमारा ए P में हम फिलहाल तो 1 रखते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ करेंगे ठीक है P क्यों हो गया सर C by equals to P कह रहे थे आप ये ब्रैकेट में P हो गया जहाँ ये हाईलाइट हुआ समझा नहीं सर सबसे एंड फंक्शन से पहले वाली लाइन देखो एंड फंक्शन से पहले नीचे नीचे सबसे आखिर में C by equal to सी वाई यहाँ पे गलत लिख दिया हमने सी यहाँ पे सी वाई इक्वल टू डी टी पी होगा डी टी पी नंबर होगा इसमें कौन सा नंबर चाहिए तो फिलहाल हमने 1 लिखा हुआ था डेट आ गया लेकिन ये 1 चेंज होगा इसके लिए यहाँ पे हम कंडीशन ये जो फंक्शन यहाँ हमने लगा रखा है ना यहाँ पे फंक्शन जो हमने लगा रखा है जो 1 है ये 1-2 कब होगा जब इसका जो है प्रोसीजर 3000 से ऊपर जाएगा तो फिलहाल हमने यहाँ पे सर वैसे एक थॉट प्रोसेस है कुछ हम ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे डीटी एक कलेक्शन होता है एक मेमोरी में हम वैल्यूज स्टोर कराते जाते हैं जैसे यूनिक वैल्यूज सॉर्ट ऑफ एक ऐसा हो सकता है कि एक डेट पिक करें 14 मार्च की वो उसकी क्वांटिटी को एक मेमोरी में सेव कर ले फिर वो कॉलम एच की वैल्यूज को उसमें से सब्ट्रैक्ट कराता जाए कहीं एक मेमोरी में वो फंक्शन होता जाए ऐसा कहीं कुछ करवा सकते हैं यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो ये जो 1 है ना ये ऑटोमेटिक A1 है A1 1 तब तक रहे जब तक कि इसका वेट 3000 जो भी 1 का है वो ना हो जाए हाँ सर लेकिन ये 1 क्या ऑटोमेट हो पाएगा हाँ इसी को ऑटोमेट करना है क्योंकि इसको ऑटोमेट फॉर्मूला के जरिए हमने यहाँ तो किया है डे बाई में किया है डे बाई में आप देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है आप सर कि ये इस डेट में इस एक डेट को मैच लगाया हुआ है इसने
मैच रिफॉर्म लगा हुआ है, और तब तक ये 1-1 दिखाएगा जब तक कि 3000 नहीं हो जाता। जैसे 3000 हो गया, ये देखिए 2 हो गया, तो बड़े एक पर्टिकुलर डेट के हिसाब से है। बट बाय में क्या है कि डेट चेंज होते ही, डेट चेंज जैसे डेट चेंज हुआ तो अपने यहाँ पे 2 आ गया। हाँ जी सर, 2 आ गया। एक काम कर सकते हैं, हर एक बाय को यूनिक आईडी दे सकते हैं, क्या बोल रहे हैं? हर एक बाय को। हाँ नहीं, फिर अच्छा वो भी सर मैनुअल होगा ना? फाइल में आप लोगों को भेज रहा हूँ, आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाइए। ठीक सर करते हैं कोशिश। है, इसमें 1 को बस ऑटोमेट करना है कि जैसे ही 3000 पूरे ये 1 हो जाए, मतलब कि जो यहाँ पे दिया हुआ है ना बाय में, हाँ जी हाँ जी, मिस ये प्रॉब्लम तो सर समझ आ गई है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, फिर बाकी दिखाता हूँ, बाकी चीजें वर्क करते हैं आपके साथ। ठीक है सर। ठीक है, ओके।